बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बनाने सिखा रही हूँ दाल पकवान, जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली डिश है और हमारे स्ट्रीट फूड में शामिल है और जिसको बहुत ज़्यादा खाया जाता है, बहुत शौक से खाया जाता है, जिसको बनाने की रेसिपी बहुत ही आसान है। तो चलें हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें चंद चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि 1 कप हमें इसमें चने की दाल चाहिए, आप आधा कप हमें मूँग की दाल की ज़रूरत है, 1 कप हमें छोले चाहिए, बॉयल किए हुए छोले, 3 से 4 टेबलस्पून के करीब हमें इमली का पल्प चाहिए, 1 टेबलस्पून हमें नमक चाहिए, 1 टेबलस्पून हमें चाट मसाला चाहिए, तकरीबन 2 कप हमने मैदा लिया है और 1 कप हमने गंदम का आटा लिया है। अच्छा, अब हम चने की दाल को और मूंग की दाल को तकरीबन 1 घंटे तक आप भिगो कर रख लें। अब हम अपने आटे को मिक्स करते हैं। इसके लिए आप हस्ब ज़रूरत नमक ले लें, 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, 1/2 टेबलस्पून। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से गूंद लेंगे, ना हमें इसे ज़्यादा सख्त गूंदना है ना नरम। रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये देखें हमारा आटा गूंद गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर और इसे ढककर रख देंगे। अब हम अपनी दाल तैयार कर लेते हैं, जो हमने धोकर भिगा दी थी, चने की दाल और मूंग की दाल। हमने फ्लेम ऑन किया, उस पर कुकर रखा है और अब हम इसे कुकर में डाल रहे हैं। तकरीबन 4 गिलास पानी की हमें ज़रूरत है, इसमें हम 4 गिलास पानी डालेंगे और मैंने 1 टेबल स्पून नमक लिया है, आप हस्ब ज़रूरत नमक ले लें, और 5 मिनट के लिए हमें इसे पकाना है। नॉर्मल फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। पंद्रह से 20 मिनट हो गए थे आटे को ढके हुए, अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। इस तरह से आप पेड़े बना के रख लें पकवान के। दूसरे चूल्हे पर हमने एक कढ़ाई ले ली है, अब हम अपने खाकर पकवान तैयार करेंगे। इसमें हमने फ्लेम को ऑन किया है और इसमें ऑयल ले लेंगे, तकरीबन 1/2 किलो ले लें आप, 1 किलो ले लें ज़रूरत के मुताबिक, कि जिसमें डीप फ्राई हो जाएं आपके पकवान। अब हम अपने पकवान की रोटी तैयार कर लेते हैं। ये देखें हम इसे इस तरह से बेल लेंगे। इस तरह से आप इसे रेडी कर लें, फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे और जल्दी जल्दी पलटते रहेंगे ताकि ये क्रिस्पी तैयार हो। ये देखें इस तरह से। दूसरी तरफ हमारी दाल तैयार हो गई है, ये देखें कितनी अच्छी लग रही है देखने में। अब हम इसके अंदर जो हमने 1 कप छोले लिए थे बॉईल किए हुए, वो शामिल करेंगे। 3 से 4 टेबलस्पून जो हमने इमली का पल्प लिया था वो इसमें शामिल करेंगे। फ्लेम हमने ऑन रखा हुआ है बिल्कुल आहिस्ता आंच पर। 2 मिनट बाद हम फ्लेम बंद कर देंगे क्योंकि दाल हमारी तैयार है। हमारी दाल भी तैयार हो गई है और पकवान भी।
ये देखें हमारे मज़ेदार से दाल पकवान रेडी हो गए हैं।